दोस्तों, मोबाइल सॉफ्टवेयर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सॉफ्टवेयर कोर्स की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये मेरे पास एक क्यू मोबाइल है, आप इसकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोड मांग रहा है, इसका कोड रीसेट करेंगे कंप्यूटर पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आपने किस टूल से इसका कोड ख़त्म करना है, तो पूरा तरीका आपको गाइड करते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो देखनी है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका सीपीयू चेक कर लेंगे पीडीटी टूल से। जैसे मैंने पहले एक कोर्स की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कैसे आप इस चाइना मोबाइल फ़ोन का सीपीयू चेक करेंगे, तो मैंने इसका सीपीयू चेक कर लिया है, एमटीके है। तो मैं CM2 का एमटीके टूल ओपन करता हूँ। मोबाइल फ़ोन को मैंने ऑफ़ कर दिया, कंप्यूटर के साथ अभी लगाना नहीं है। जब टूल ओपन हो जाए, एक सेटिंग करेंगे तो फिर आपको बताएँगे। तो ये MTK टूल ओपन हो चुका है, ये पुराना जो इसका था 1.58, अभी तो MTK 2 आ गया नए से मोबाइल फ़ोन के लिए। तो ये क्यू मोबाइल पुराना है, कोई एंड्रॉयड फ़ोन आता है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, और फीचर फ़ोन कीपैड वाला तो ये हम ऑप्शन इसका सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सर्विस में जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट रिसेट सेटिंग, यहाँ पर करेंगे तो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही, नीचे लिखा हुआ है क्या क्या हो जाएगा। इसके फैक्ट्री डेटा रीसेट होगा, बाकी इसके कोड सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो सिर्फ कोड आप रीसेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन होगा इसमें। ये देखें, रीसेट यूज़र कोड, रीड के बटन पर क्लिक करके चेक कर देते हैं, अगर ये रीड कर ले तो इसका डेटा बच जाएगा। तो हम रीड करते हैं पहले, यहाँ पर देखें ये एक्टिव यस कोड, इसने बता दिया कौन सा कोड इसको लगा हुआ है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी इसका डेटा भी ख़त्म नहीं हुआ और इसने हमें ये कोड बता दिया है। अब हम इसको कोड जो है ये कोड इस पर टाइप करते हैं, देखते हैं ये कोड ये एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो अब यहाँ पर वही कोड टाइप करते हैं, 4000 जो MTK टूल से हमने रीड किया है। तो यहाँ पर देखें डन लिखा हुआ आ गया है और मोबाइल फ़ोन अनलॉक हो चुका है।